संगम नगरी प्रयागराज में भाई दूज हमेशा कुछ खास ही अंदाज में लोग मनाते हैं। इस बार भी अपने परिवार के साथ महंगी मिठाइयों के साथ सेलिब्रेट करेंगे भाई दूज। पर केसर कस्तूरी बर्फी जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, हालांकि महंगी होने के कारण लोग 100 ग्राम से 250 ग्राम तक ही ले जरूर रहे और लोग इसको पसंद खूब कर रहे हैं। प्रयागराज के लगभग 100 साल पुरानी मिठाई की दुकान भगवान दास प्रहलाद दास के संचालक अंकित गुप्ता कहते हैं, ये मिठाई हमारे बाबा और दादा के समय बना करती थी, लेकिन इस बार हम अपने कस्टमर को के लिए उसी मिठाई को फिर से तैयार किया जो काफी लोगों को पसंद कर रहे हैं। इस बार कई विशेष मिठाई बनाई गई है, जैसे कस्तूरी बर्फी जिसकी कीमत 40,000 रुपए में है, पेशावरी पिस्ता बर्फी 3200 रुपए किलो, अखरोट बर्फी, बादाम बर्फी, अंजीर बर्फी, काजू पिस्ता बर्फी, काजू सोहन बर्फी और भी बहुत सारी मिठाइयाँ प्रीमियम रेंज की है और 1200 रुपए किलो से लेकर 40,000 रुपए किलो की यह मिठाइयाँ बिक रही है, जो कि 4-5 हमारे दादाजी के जमाने में बनता था, वो बनाते थे केसर कस्तूरी बर्फी। अब की हमने वो बनाई है जो कि 40,000 रुपए किलो है, प्लस पिस्ता बर्फी है, पेशावरी पिस्ता बर्फी वो 3200 रुपए किलो है। और भी विभिन्न तरीकों की स्पेशल वेराइटीज़ बनाई है, अखरोट बर्फी है, बादाम बर्फी है, स्पेशल मोतीचूर लड्डू है, आपका काजू पतीसा है, काजू सोन पपड़ी है, अंजीर बर्फी है, बहुत भी तरीके की मिठाई है। ये प्रीमियम रेंज की मिठाइयाँ हैं, बाकी एज वेल एज मोतीचूर जो हमारा है तो वो रहता ही है। क्या क्या इस बार आप लोगों ने रखा है मिठाई? जैसे मोतीचूर लड्डू हमारा 520 रुपये किलो है और देसी घी से रिलेटेड सभी मिठाइयाँ 520 रुपये किलो है, लेकिन जो प्रीमियम रेंज की मिठाइयाँ हैं वो हमारा आपको मिलेगा 1200 रुपए किलो से लेके 40,000 रुपए किलो तक की। जो सोशल साइट पे वायरल हो रहा है कि केसर कस्तूरी, इसका केसर केसर कस्तूरी, इसकी एक हिस्ट्री भी है कि जो कस्तूरी होती है हम लोग 2 ग्राम कस्तूरी लेके उसकी बर्फी बनाते हैं, जो कि आप ये है देखिए, ये केसर कस्तूरी की बर्फी है। उस ऑनलाइन भी लोग ऑनलाइन भी लोग माने, इसकी बाहर की ज़्यादा डिमांड होती है, तो आप लोग ऑनलाइन भी सप्लाई करते हैं? हाँ, कहाँ जाता है? अभी जैसे कोयम्बटूर गया था हमारा, आपका साउथ साइड भी जाता रहता है और आपका ये जबलपुर हो गया, नागपुर हो गया आपका। कोविड से रिलेटेड कोई मिठाई भी है या इम्यूनिटी बूस्टर मिठाई आपके पास मिल जाएगी? अंजीर की बर्फी लीजिए, अंजीर है, जितने भी मेवे के आइटम ये इम्यूनिटी बूस्टर ही हुए। वही मिठाई खरीदारी करने आए तन्मय अग्रवाल ने बताया, नोएडा में रहकर जॉब कर रहे हैं, सोशल साइट पर जानकारी हुई कि केसर कस्तूरी बर्फी की तो दुकान पता करते हुए खरीदने आ गए। तन्मय अग्रवाल का कहना है कि मिठाई इतनी महंगी थी कि लेने की हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन सोशल साइट पर जिस तरीके से ये मिठाई वायरल हुई थी तब से मेरी इच्छा थी कि मैं प्रयागराज जाऊंगा तो इस मिठाई को जरूर लूंगा। इसके अलावा और भी मिठाई ली है, लेकिन केसर कस्तूरी बर्फी मात्र 250 ग्राम मैंने लिया है और इस मिठाई के साथ पूरे परिवार के साथ सेलिब्रेट करेंगे। ऐसा है कि सोशल मीडिया पे इनकी कोई एक मिठाई काफ़ी इनोवेटिव सी है, वो काफ़ी वायरल हो रही है, तो मैं नोएडा में रहता हूँ, वैसे तो यहीं का वासी हूँ, बट जब सुना कि ऐसी कोई मिठाई वायरल हुई है तो मैंने कहा कि आज इसको ट्राई करते हैं। तो मैंने देखा कि ये एक इन्होंने केसर कस्तूरी करके एक नई मिठाई इनोवेट की है जो कि इनकी काफ़ी पुरानी, इनके दादा परदादा के समय से है और ये करीब 40,000 रुपये किलो की है। तो मैंने कहा कि सबको इस बार घर पे वाली मिठाई खिलाते हैं, तो फिर 250 ग्राम मैंने ये केसर कस्तूरी ली। बाकी इनके यहाँ से लड्डू तो हम लेते ही हैं, तो करीब हमने 15-20 किलो मोतीचूर का इनका जो लड्डू है, केसर कस्तूरी की मिठाई की इस दिवाली को कुछ खास के लिए, वो एक इनोवेटिव और ख़ास लोगों के लिए घर के परिवार, और बाकी हमने इनके यहाँ से 15-20 किलो मोतीचूर का तो इनका स्पेशल लड्डू लिया ही है जो कि काफ़ी अच्छा और बहुत ही नामचीन लड्डू है इनका। केसर कस्तूरी अच्छी लगी है, बहुत बढ़िया मिठाई है। मैं तो सबको रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप भगवान दास प्रहलाद दास एंड संस पे आइए और ये वाली मिठाई ज़रूर ट्राई करिए। इसकी करीब 40,000 रुपये किलो मिठाई की कीमत, मैंने करीब 250 ग्राम ये मिठाई ली है। ठीक है, नाम बता दीजिए। तन्मय अग्रवाल।